जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं सो फार, कैन यू प्लीज कंफर्म, आपको आवाज, स्क्रीन, वीडियो वगैरह सब क्लियर है? जी, जो भी ऑनलाइन है सो फार, कैन यू प्लीज कंफर्म, आपको मेरी आवाज, स्क्रीन, वीडियो सब क्लियर है? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली जरा मुझे चैट बॉक्स पे कंफर्म कर दें, आपको आवाज, स्क्रीन, वीडियो वगैरह सब क्लियर है? चले जी। अच्छा, अब देखें, उसको बिस्मिल्लाह कर दें, स्टार्ट करें। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब जरा देखें, बिस्मिल्लाह करके हम लोग उसको स्टार्ट करें, ट्रिपल ए को। सबसे पहले तो ये है, आज जो हम इस वक्त जो भी पढ़ते हैं, दैट्स पेपर ओरिएंटेशन, पेपर इंट्रोडक्शन क्या चीज है। उसके बाद देखते हैं कि कोई एक छोटा सा टॉपिक जो है ना, वो हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों ने रिसेंटली कोई पेपर दिया दिसंबर में? कौन सा? एसबीएल एसबीएल। वो लोग एसबीएल ही डिस्कस कर रहे थे ना अभी, तो पेपर हो गया, पेपर के बाद डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये है, आप डिस्कस कर रहे हैं, यही हो रहा है। हाँ हाँ नहीं, वैसे भी डिस्कशन अगर करते हैं तो ये होता है कि घूम फिर के जो स्टूडेंट है ना, वो 50 तक ले ही आता है जनरल ना, ये सारी चीजें। चले, एनीवेज, लग रहे पास हो जाए, अच्छे नंबर से। अच्छा जी, अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मेरा एक पहला सवाल, आप लोगों ने, सबने एसबीआर दिया हुआ है, आपने एसबीआर पढ़ा हुआ है, एसबीआर दिया है, पढ़ा है आप लोगों ने, आपको पास है, ठीक है? अच्छा, अब जरा हम लोग आते हैं इस ट्रिपल ए के ऊपर, ठीक है? दैट इज एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। अच्छा, इसमें आपके पास सेटअप क्या है ट्रिपल ए में? आपको जो है ना, दो पेपर की नॉलेज कैरी डाउन होना बहुत जरूरी है। कितने पेपर्स की? दो पेपर्स की। कौन कौन से? एक है आपका एसबीआर और एक जारे एफएच डबल ए, सही है? इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास ये है, फजल और एसएस कंप्यूटर जो भी है, एक्सक्यूज मी, आपको आवाज, स्क्रीन, वीडियो क्लियर है? कैन यू प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, आवाज, स्क्रीन, वीडियो क्लियर है? ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, सबसे पहला पॉइंट मैं आपके पास लिख रहा हूं, पेपर पैटर्न, फिर थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन करनी है, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट तो लिख लीजिएगा जरा, पेपर स्ट्रक्चर क्या है आपके पास? ये पेपर स्ट्रक्चर वही है जो नॉर्मली एसबीआर में होता है। एसबीआर में क्या है आपके पास? पहला सवाल, नहीं, प्रोफेशनल मार्किंग को छोड़ो, पहला सवाल कितने मार्क्स का है? तीस अच्छा, उसका 30 नंबर का, ठीक है? आपके पास 50 नंबर का इसका पहला सवाल होगा। इसमें जो है ना, आपके पास सेक्शन ए है, और सेक्शन ए में यू विल बी रिसीविंग क्वेश्चन नंबर वन, जिसके आपके पास कितने मार्क्स है? 50 नंबर। फिर उसके बाद जो है, आपके पास सेक्शन बी है, और इस सेक्शन बी में आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, और डेफिनेटली ये कितने मार्क्स के आपके पास? ये आपके पास 25-25 नंबर के हैं, एंड कलेक्टिवली यू विल बी हैविंग योर 100 मार्क्स, ठीक है? ये आपके पास एक सेटअप है। अब इसमें एक बात तो आपको पता ही है कि कुछ इसमें प्रोफेशनल मार्क्स भी हैं, वो वही है जो सारे प्रोफेशनल पेपर्स में ऐड है। इसको एक बार जरा कीजिएगा कॉपी में, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं हैंड आउट के लिए जरा यूएसबी। अच्छा, ये
नहीं, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इसके लिए. मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा, इसके बारे में जरा गाइडेंस आपको भी करता हूँ रिलेटेड टू दिस पेपर. चले जी. अच्छा अब क्या नाम है, आपको भी मैं इसके हवाले से बता देता हूँ. देखें, एक जनरल एडवाइस यही है कि ट्रिपल ए देने से पहले आपके पास जो है ना वो SBR पढ़ा हुआ होना चाहिए या उसकी अटेम्प्ट आपके पास होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है. एज सच कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो है ना ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये क्या है, आपके पास पेपर स्ट्रक्चर है. जो आपके पास पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन, उसकी आपके पास वेटेज कितनी है, 50 नंबर. और जो आपके पास बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, उसकी वेटेज कितनी है, 25 25 नंबर. अच्छा एक बात तो आप ये जानते हैं कि इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसके अंदर क्या है आपके पास, इंक्लूडेड है क्या 20 मार्क्स किस चीज के हैं, 20 आपके पास जो है ना वो क्या है, इसमें प्रोफेशनल मार्क्स है. ठीक है. अच्छा अब मैं आपको सबसे पहला पॉइंट तो ये, इसको हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ और बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं. अच्छा अब आप ये जरा नोटिस कीजिएगा, जो आपके पास नोट करके मैं आपको बता दूं, सबसे पहला पॉइंट कि ये जो आपके पास प्रोफेशनल मार्क्स हैं, आपके पास जो प्रोफेशनल मार्क्स हैं, अच्छा इसकी मैं आपको अलग से जो है ना वो हैंडआउट की शीट भी प्रोवाइड करूंगा प्रोफेशनल मार्क्स की, विच इज रेलिवेंट फॉर ट्रिपल ए. आपने आज से पहले प्रोफेशनल मार्क्स कौन से पेपर में दिए, अभी रिसेंटली आपने SBL में दिया है और SBR में दिया है. ठीक है, प्रोफेशनल मार्क्स एड ही अभी हुए हैं सेप्टेम्बर से. तो अच्छा अजर अ पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सक्यूज मी, ये जितने भी आपके पास प्रोफेशनल मार्क्स हैं ये सारे के सारे उसमें प्रोफेशनल पेपर्स में मौजूद है. ये जितने भी प्रोफेशनल मार्क्स हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं आपके पास, कमर्शियल एक्यूमेन, इवैल्यूएशन एनालिसिस, हमारे लिए तो स्केप्टिसिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, और फिर आपके पास एक कम्युनिकेशन है. अब मैं आपको बताता हूँ क्या, देखें जो आपके पास प्रोफेशनल मार्क्स है ना, प्रोफेशनल मार्क्स वो है आपके पास 20. ठीक है, इसमें से 10 नंबर आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी कि इसमें से जो 50 नंबर है, 50 में से 10 क्या है, प्रोफेशनल मार्क्स, और बाकी कितने बचे आपके पास, 10 नंबर. सर जो बाकी के 5 नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 2 में है, और फिर एक और जो 5 नंबर है वो कहां पे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में है. ठीक है, यानी कि जो 20 प्रोफेशनल मार्क्स है, 20 प्रोफेशनल मार्क्स की वेरिफिकेशन यानी कि इसकी जो स्प्लिट है वो किस तरीके से हो रही है, 10 नंबर कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 1 में. अब मैं इसका भी आपको ब्रेकडाउन बता देता हूं. तो आपके पास 10 नंबर है कहां पर, ये क्वेश्चन नंबर 1 में, बाकी 5 5 नंबर कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में. यानी कि ये जो 25 25 नंबर के हैं, अभी 25 नंबर के नहीं है, इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो 20 20 नंबर की है, 5 नंबर क्या है, प्रोफेशनल मार्क्स. ठीक है, एक तो मैंने आपको सबसे पहले इसका स्प्लिट बता दिया. Do people need to copy this or shall I proceed? आगे बोलूं? अच्छा, अब देखें, इसमें आपके पास जो प्रोफेशनल मार्क्स है ना, दरअसल वो प्रोफेशनल मार्क्स कौन से हैं? सर मैंने आपको 4 बताया ना, कौन कौन से बताए, एक तो आपके पास कम्युनिकेशन है, फिर क्या है आपके पास, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, फिर क्या होता है आपके पास, स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट, और फिर क्या आपके पास, कमर्शियल एक्यूमेन. सर अब इसके ऊपर भी जरा मैं आपको एक छोटी सी बात ये बता दूं, बल्कि इसको मैं चलो इसके अंदर जो है ना प्रोफेशनल मार्क्स के अंदर, सबसे पहले मैं इसको जो पेपर स्ट्रक्चर है उसको मैं यहां पर कॉपी पेस्ट करता हूं और इसे जो है इसको मैं यहां ले जाता हूं ताकि आपको जरा और स्प्लिट करने में आसानी हो जाए समझने में. देखें सबसे पहला पॉइंट, एक चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि जो भी आपके पास प्रोफेशनल मार्क्स है ना,
जो भी आपके पास प्रोफेशनल मार्क्स हैं उसके अंदर आपको स्किल्स क्या चाहिए। एक तो है आपके पास कम्युनिकेशन। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ट्रिपल ए में कौन सी चीज कहाँ पर एग्जामिन होगी, ताकि आपका एक माइंड सेट ये क्लियर कट हो कि भाई वी डू नॉट हैव टू वर्क वेरी हार्ड, वी हैव टू वर्क वेरी स्मार्ट। और आधे से ज्यादा आपने ट्रिपल ए पढ़ा हुआ है, आधे से ज्यादा ट्रिपल ए पढ़ा हुआ है। किधर पढ़ा हुआ है? आधे तो अकाउंटिंग है इसमें, यानी कि SBR ऑडिट पढ़ा है, लेकिन ट्रिपल ए इटसेल्फ भी कोई चीज है। सर एक तो है कम्युनिकेशन, एक क्या है आपके पास कमर्शियल एक्यूमेन है, स्केप्टिसिज्म, और क्या है आपके पास जजमेंट है, और फिर क्या आपके पास एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, ये तमाम चीजें हैं। अच्छा इसमें मैं कम्युनिकेशन में एक पॉइंट लिखूंगा, उसे छोड़ दें वो बाद में। कम्युनिकेशन में मैं एक चीज देखूंगा। एक बात तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो आपका स्ट्रेटेजिक लेवल के जो पेपर्स हैं उसमें आपको रिपोर्ट लिखनी है। क्या लिखनी है? रिपोर्ट लिखनी है। नाउ इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट हु आर यू, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट हु आर यू, क्योंकि मैं हमेशा से ही कहता हूँ पार्ट टू के एग्जाम्स में भी, पार्ट थ्री में भी, कि सबसे पहले जो है ना आप एग्जाम में अपना किरदार समझे कि आपका रोल क्या है, मतलब आप कौन है, आपका रोल क्या है, एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। आपने इस चीज को जो है ना सबसे पहले अपने जहन में रखना है कि आप कौन है, आपका किरदार क्या है, और आप फर्म में, हम तो ऑडिट के हवाले से बात करेंगे, व्हाट्स योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, ये आपके पास जो है ना ये चार चीजें हैं, चार स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो आपको आंसर लिखना है वो एक रिपोर्ट का फॉर्मेट, क्या है आपके पास? रिपोर्ट है। यहां बात क्लियर होगी। यू हैव नाउ दीज फोर स्किल्स, नाउ आई एम मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये जो प्रोफेशनल मार्क्स है 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर वन में कितने 10, क्वेश्चन टू में 5, और क्वेश्चन थ्री में आपके पास 5। यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा अब इसमें जरा नोटिस कीजिएगा, इसकी भी थोड़ी सी जो है ना वो फर्दर आपके पास क्लासिफिकेशन बन सकती है कि ये जो आपके पास 20 प्रोफेशनल मार्क्स हैं इसके अंदर 10 नंबर कहां पर एग्जामिन हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन में। अब ये जरा नोटिस कीजिएगा इसमें जो आप बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन नंबर वन में 6 नंबर अदर एरियाज हैं। पता नहीं कौन से एरियाज आपके पास रेलिवेंट होंगे, वो तो केस ही बताएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो 4 नंबर है वो है किस चीज के, कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें आपको क्या लिखनी है, रिपोर्ट लिखनी है। क्या लिखनी है? रिपोर्ट। रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है, मेरे ख्याल में आपके पास जो बाकी के एग्जाम्स है उसमें भी आप रिपोर्ट लिखते हो, SBR में भी लिखते हो, ये सुनो जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है। सर इसमें जो 4 नंबर है वो 4 नंबर आपके पास कहां से आएंगे जी, कम्युनिकेशन से, यानी कि आपको क्या लिखनी है, रिपोर्ट लिखनी है। बाकी कितने नंबर आपके पास बचते हैं? 6 नंबर। अब वो 6 नंबर जो है, अच्छा कम्युनिकेशन इसके अलावा क्वेश्चन 2 और 3 में नहीं है, एक्सक्यूज मी, किस में नहीं है, 2 और 3 में नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी एरियाज में भी नहीं है। तो 2 और 3 में कौन कौन सी स्किल्स यूज होंगी? कमर्शियल एक्यूमेन यूज होगा। कमर्शियल एक्यूमेन भी सिर्फ 2 टॉपिक्स में यूज होता है, अगर वो 2 टॉपिक आए तो कमर्शियल एक्यूमेन है, नहीं तो वो भी नहीं। आई बात समझ में? यानी कि जो आपकी मेजरली स्किल्स हैं वो कौन सी हैं? ट्रिपल ए के लिए, क्योंकि मैं फॉर्मेट तो ले गया कम्युनिकेशन, जिसमें आप लिखोगे 2 ऑडिट पार्टनर, इंट्रोडक्शन, हेलो हाय, बॉडी, और ये तमाम चीजें। कमर्शियल एक्यूमेन 2 टॉपिक्स में यूज होगा, कितने टॉपिक्स में? 3 टॉपिक्स में यूज नहीं होगा, अगर वो 2 टॉपिक एग्जामिन भी नहीं होते फॉर एग्जाम्पल। सो यू आर लेफ्ट विद ओनली, यानी कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होना चाहिए ट्रिपल ए में वो कौन से स्किल्स पर होना चाहिए? स्केप्टिसिज्म एंड क्या? और मेरे ख्याल में इसमें तो आप कमर्शियल, ये प्रोफेशनल मार्क्स नहीं होता तब भी मेरे ख्याल में आपने इसी पर ही फोकस करना था ऑडिट में। और ये क्या है? एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, ठीक है, ये दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको इसकी स्प्लिट डाउन बता दी। इफ यू वांट टू कॉपी दिस, जो ऑनलाइन स्टूडेंट आपको कॉपी करना है तो कर सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आपको इसका सिलेबस जो है वो डिस्कस करता हूँ। और ये है आपका सिलेबस एरिया, दिस इज योर सिलेबस जिसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। और एक और बात, ट्रिपल ए इज क्वाइट प्रिडिक्टिव पेपर, पास रेट की परसेंटेज नहीं देखना, पेपर की प्रेडिक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूं।
बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स इसकी डेफिनेट है, मतलब यू कैन मैं भी आपको बताता हूँ, यू कैन से इन एडवांस कि यार ये रिक्वायरमेंट तो आएगी, मैं ही आपको बोल दूंगा और आएगी, क्योंकि आती वही है। कुछ एग्जाम्स के अंदर जो है ना कुछ चीजें कुछ और टॉपिक से आ सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स वगैरह। इसको कॉपी कर ले जरा, अच्छा अब जरा देखिएगा, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको ये प्रोफेशनल मार्क्स की जो स्प्लिट डाउन है ये मैंने आपको बता दिया, अब हम आ रहे हैं सिलेबस एरिया को डिस्कस करने में कि हमारा जो है ना वो सिलेबस एरियाज क्या है। देखिए ट्रिपल ए का जो एग्जाम है दैट इज क्वाइट प्रेडिक्टिव, क्वाइट प्रेडिक्टिव, इसका मतलब ये कि रिक्वायरमेंट्स आपको पहले से पता है, रिक्वायरमेंट्स आपको पहले से पता होंगी वो क्या क्या चीज है। देखिए इसको डाल दूं मैं आगे बढ़ू, अच्छा अब जरा ये देखिएगा एक्सक्यूज मी, सबसे पहला पॉइंट ये है आपके पास रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, सेकेंड है प्रोफेशनल एथिक्स, सेकेंड आपके पास प्रोफेशनल एथिक्स एरिया ए रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, एरिया बी है प्रोफेशनल एथिक्स, एरिया सी है प्रैक्टिस मैनेजमेंट। ये जो तीन चीजें हैं ना आपके पास, ये तीन चीजें रिक्वायरमेंट सॉरी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, दूसरा क्या लिखा प्रोफेशनल एथिक्स एंड कंसिडरेशन, तीसरा क्या लिखा आपके पास प्रैक्टिस मैनेजमेंट, फिर है आपके पास प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट, कंप्लीशन एंड रिपोर्टिंग, अदर असाइनमेंट्स और प्रोफेशनल स्किल्स तो आपके पास है, और ये क्या चीज है एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, ये कोई एग्जामिनेबल कंटेंट नहीं है, ये तो वो होता है ना कि आपको सीबी यूज कैसे करना है, और ये और फिर लास्ट में है करंट इशू, इस पे तो मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क अगर होंगे करंट इशू, तो आपके पास फरवरी की लास्ट वीक तक भी चांस होता है कि कोई करंट इशू आ जाए तो आ जाए, ठीक है ना, तो ये टॉपिक हम उसको नहीं कह सकते, हाँ अगर आ गया तो टॉपिक है। अब जरा गौर से सुने, ये ना रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स एंड कंसिडरेशन, प्रैक्टिस मैनेजमेंट, आप ये सपोज कर लें कि इन एरिया से मिला के 20 से 25 नंबर यहां से आपके पास बन जाएंगे, पता नहीं हो सकता कभी कम भी हो जाते, ये है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया क्या लिखा है सॉरी एरिया क्या लिखा है प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट, इसमें आपके पास 35 से 40 नंबर यहां से बन जाते हैं, दिस इज द एरिया 35 से 40 नंबर, और ये पता क्या है प्लानिंग फेस और पूरा सब्सटेंटिव है, सब्सटेंटिव नहीं प्रोसीजर्स हैं सारे, ठीक है अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। कंप्लीशन एंड रिव्यू, कंप्लीशन एंड रिव्यू ये भी आपके पास यू कैन अज्यूम के 20 से 25 नंबर यहां पर आपके पास आ सकता है। अदर असाइनमेंट्स 8 से लेके 15 नंबर तक यहां पर आपके पास आ सकता है, वी कैन नॉट से, हो सकता है कभी 10 नंबर का भी आ गया, कभी ज्यादा भी आ गया, कभी कुछ अटेम्प्ट्स तो ऐसी भी गुजरी है जिसमें अदर असाइनमेंट्स 25 नंबर के आए, 25 नंबर का एक पूरा सवाल किसके ऊपर अदर असाइनमेंट्स के ऊपर। अभी जो है मैं आपके पास जो है ना ये एक एक चीजें इसको मैं एक एक एरिया आपके साथ सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि वो क्या चीजें हैं, क्या टॉपिक्स हैं अदर असाइनमेंट्स में, क्या क्या चीजें हैं और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या नॉलेज आप ऑलरेडी कैरी डाउन करके आ रहे हो और क्या नॉलेज की हमें जरूरत है। देखिए ये जो आपको मैंने एरियाज बताए हैं कि ये चीजें, सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको बताने जा रहा हूं पार्ट ए जो के है आपके पास रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, क्या चीज है आपके पास इट्स अ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, गौर से सुनिएगा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या चीज है, आपका पूरा सिलेबस है ठीक है। अच्छा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में क्या है, एक सेकेंड ये जो मैंने परसेंटेजेस लिखी है व्हाट इज दिस परसेंटेजेस, ये क्या है, क्या ये फतवा है कि यही होंगी, फिर क्या ये
ये एक नॉर्मल पैटर्न पर है, नॉर्मल पैटर्न पर है। ये आपके पास जो परसेंटेजेस है ना भाई, ये परसेंटेजेस आपके पास इधर उधर हो सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकते ये 25 नंबर 20 नंबर का ना है, 8 नंबर का आ जाए, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एक रफ आइडिया है, ठीक है ना, ये आपके पास एक रफ आइडिया है। अच्छा, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला पॉइंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में क्या चीज है। देखिए इसमें आपके पास लॉज एंड रेगुलेशन है, इसमें एक टॉपिक है छोटा सा मनी लॉन्ड्रिंग। क्या टॉपिक है आपके पास, पेपर में सवाल आता है, आया हुआ भी है, आ भी सकता है। एथिक्स और प्रैक्टिस मैनेजमेंट। व्हाट इज एथिक्स एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट? मेरे ख्याल में आपने बहुत पहले पढ़ा हो एथिक्स, प्रैक्टिस मैनेजमेंट में कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ी हुई। एथिक्स आपने मेरे ख्याल में कुछ 4-5 दफा पढ़ लिया, F1 में पढ़ा हुआ है, F8 में था, SBR में था, SBL में था एथिक्स, वही। लेकिन इसमें हमें ये चीजें देखनी है कि ऑडिट के ऊपर इसकी क्या इंप्लीकेशंस है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट भी ऑडिट के ऊपर है। ये जो एरिया है ना, जो मैंने स्टार लगाया, दिस इज द एरिया, यही एरिया आपको पास या फेल कराएगा। सही है, मतलब स्ट्रॉन्ग आपके पास जो ग्रिप होनी चाहिए वो कौन सा एरिया है, एरिया डी। और एरिया डी में क्या चीजें लिखी हुई आपके पास, प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। फिर लिखा है कंप्लीशन एंड रिपोर्टिंग और अदर असाइनमेंट्स। ये क्या चीज है मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है, अगर मैं इधर बात करूं आपके पास ऑडिट साइकिल की, किसकी बात करूं आपके पास ऑडिट साइकिल की, ऑडिट साइकिल में होता क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि जो आपके पास ऑडिटर है वो होता है अपॉइंट। क्या होता है आपके पास ऑडिटर, अपॉइंट। उसके बाद ये बनता है, व्हाट इज दिस, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके दरमियान, ऑडिट फर्म और क्लाइंट एंटिटी के दरमियान। सर ये है आपके पास क्या, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। उसके बाद क्या होता है आपके पास, उसके बाद होता है प्लानिंग स्टेज। क्या चीज होती है आपके पास, प्लानिंग स्टेज। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सक्यूज मी, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ऑडिट परफॉर्म। मैं दोबारा से सिलेबस एरिया पर आऊंगा, थोड़ा सा वेट करना। ऑडिट परफॉर्म में दो चीजें आती है, नंबर वन नंबर टू। नंबर वन होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और नंबर टू क्या होता है आपके पास, सब्सटेंटिव। सही है, प्लानिंग स्टेज। अच्छा ऑडिटर सबसे पहले क्या हुआ जरा ये बताएं, अपॉइंट हुआ, अपॉइंट होने के बाद ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बन गया, फिर उसके बाद प्लानिंग स्टेज, फिर ऑडिट परफॉर्म हो रहा है। परफॉर्म में क्या चीज है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव। फिर उसके बाद आपके पास आता है रिव्यू स्टेज, ऑडिट की कौन सी स्टेज है जी, रिव्यू स्टेज। और फिर उसके बाद आपके पास फाइनली आ जाती है क्या, ऑडिट रिपोर्ट। फाइनली क्या चीज आ जाती है आपके पास, ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा जरा गौर से सुनना, एक्सक्यूज मी, ये जो दो एरियाज मैंने आपको बताया ना, ये कौन कौन से, ऑडिट परफॉर्म और क्या, दरअसल ये जो दो एरियाज है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये आपका सिलेबस एरिया डी है। कौन सा एरिया, कौन सा है, सिलेबस एरिया डी। क्या लफ्ज लिखा हुआ इसमें आप चेक कर सकते हैं, क्या लिखा, प्लानिंग एंड व्हाट, कंडक्ट ऑफ ऑडिट। कंडक्ट मतलब ये टीओसी एंड सब्सटेंटिव। तो भाई ये तकरीबन तकरीबन मैंने इसको कितने नंबर लगाए, 35 से 40 नंबर, ये मैंने आपको इसमें लगा के दिया। सही है, फिर उसके बाद नीचे आ जाए कंप्लीशन एंड रिपोर्टिंग। कंप्लीशन मतलब ये रिव्यू स्टेज है, और क्या है फिर आपके पास, ऑडिट रिपोर्टिंग स्टेज। यहां तक बात समझ में आती है। अब यानी कि आपके पास दिस इज माई ऑडिट साइकिल एंड आई वॉन्ट यू पीपल, इसको जरा कॉपी कीजिए प्लीज, ऑडिट साइकिल को, कि ऑडिटर सबसे पहले अपॉइंट हो रहा है, फिर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, फिर प्लानिंग स्टेज है, फिर ऑडिट परफॉर्मेंस है, इस तरह की चीजें। अच्छा जितनी भी परसेंटेजेस है ना, एक्सक्यूज मी मैं फिर से कह रहा हूं, ये परसेंटेजेस कंफर्म नहीं है, एक्सक्यूज मी, परसेंटेजेस क्या ये, एक एस्टिमेट परसेंटेजेस है। पार्ट डी की आप कंफर्म कर सकते हो, यानी कि प्लानिंग टीओसी और जो सब्सटेंटिव है उसको आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये एरिया जो है ना, ये कंफर्म हो सकता है। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से भी मैं ये कहूंगा कि आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है, देन आई विल गोना एक्सप्लेन इट फर्दर।
जी इज इट डन। अच्छा अब सुने, अब जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं ना बड़े काम की, एक्सक्यूज मी, वो जरा ये देखिएगा क्या। सबसे पहला पॉइंट आप इधर नोट करके लिखेंगे, कुछ नोट करके आप लोगों ने लिखना है यहां पर, फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड रिक्वायरमेंट्स। फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड क्या रिक्वायरमेंट्स, ये जरा सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड रिक्वायरमेंट्स, जो चीजें मैं आपको इस वक्त बताने जा रहा हूं वो पेपर में आ सकती नहीं है, आएंगी, आती ही वही है, सही। फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहला इधर, सबसे पहला। अच्छा मैं दोबारा सिलेबस एरिया पर आऊंगा ये अदर असाइनमेंट्स को डिस्कस करने के लिए, पहले मैं आपको जरा ये बता दूं क्वेश्चन नंबर वन में कौन सी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर वन कितने मार्क्स का है, 50, जिसमें से 10 क्या है उसको हटाओ, कितने बचे, 40। 40 में से मैं आपको अभी ये बता रहा हूं 20 से 25 नंबर की पहली रिक्वायरमेंट होगी, और वो होगी 20 से 25 नंबर की रिक्वायरमेंट, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन, और इसकी पहली रिक्वायरमेंट, यहां से आपका पास फेल जो है ना वो डिसाइड हो जाता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि देखो पास होने के लिए हमें चाहिए 50 नंबर, 50 का 25 नंबर, यानी कि 50 होने के लिए 50% 25 नंबर क्वेश्चन नंबर वन की पहली रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, पहली या दूसरी। इसमें आपके पास फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स में क्या है, एक है आपके पास रिस्क असेसमेंट, कौन सी असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू पीपल हैव स्टडीड इन योर डबल ए पेपर कि जिसमें आप ऑडिट रिस्क और ऑडिटर रिस्पॉन्स निकालते हो, यस और नो। खैर रिस्क असेसमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको 20 से 25 नंबर की आती है, कितने नंबर की, कुछ पुराने पास पेपर है 32 नंबर की रिक्वायरमेंट थी, 32 नंबर सिर्फ क्या रिस्क। अभी क्योंकि ये प्रोफेशनल मार्क्स ऐड हुए तो इसकी थोड़ी सी श्रिंकेज कर दी गई है, 20 से 25 नंबर किसमें आएंगे आपके पास, रिस्क असेसमेंट में। अच्छा इसमें आपके पास ऑडिट प्रोसीजर्स भी पूछते हैं इसी क्वेश्चन नंबर वन में, इसी क्वेश्चन नंबर वन की मैं आपको रिक्वायरमेंट, आपको भी पास पेपर उठा ले, लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब ये कि आपने 2023 में देना, 2022, 2021 क्या पास पेपर उठा के देख ले, यही आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। अच्छा एक तो रिक्वायरमेंट है रिस्क असेसमेंट की, होता क्या है बात करते हैं, फिर है आपके पास ऑडिट प्रोसीजर्स, उन्हें लिखते थे एफिट में, इंस्पेक्ट द एसेट टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, है ना, इस किस्म के मुझे क्लाइंट के प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये जो भाई मेरे जो प्रोसीजर्स हैं ये आपको कभी कभार 5 नंबर के आ जाते हैं, कभी कभार 10 नंबर के आ जाते हैं, मिनिमम भी लगा लो तो कितने नंबर के प्रोसीजर होंगे, इससे ज्यादा ही मिलेंगे, 7 नंबर के भी होते हैं, 5 से 10 नंबर। अच्छा इसी क्वेश्चन नंबर वन में, इसी क्वेश्चन नंबर वन में आपको एथिक्स की रिक्वायरमेंट भी पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, एथिक्स, और इसके नंबर जो है वो आपको 7 से 10 नंबर मिलेंगे, और उसके अलावा यहां पर मैं लिख रहा हूं बाकी मुझे नहीं पता, अदर एरियाज आ सकते हैं, और वो जो अदर एरियाज होंगे वो पता नहीं कितने नंबर के होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5-6 नंबर के, 5 से 8 नंबर के, ठीक है। अगर आप इसमें गिनती करते हो, अगर आप इसके एवरेज नंबर भी लो, जैसे 22 नंबर यहां से लगा लो, 7 नंबर यहां से लगा लो, 7 यहां से लगा लो, ठीक है ना, तो अगर आपने 20 यहां से निकाले, 7 5 नंबर यहां पर ले लो फॉर एग्जांपल, 27 और ये वो 40 नंबर, तो बाकी इसका मतलब अदर एरियाज आपके पास कितने बचेंगे, कोई 5 से 7 नंबर तक का अदर एरियाज आ सकता है, यस और नो। लेकिन 5 से मैं 10 ही कर लेता हूं क्योंकि हम नहीं कुछ कह सकते ये क्या चीज है, 5 से 10 नंबर। और अच्छा इसका मतलब जो है, एक्सक्यूज मी, ये जरा देखिएगा, इसका मतलब आपकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए वो कौन से इन एरियाज पे, आपकी बहुत सॉलिड ग्रिप होनी चाहिए, सही है, इन एरियाज पे आपकी बहुत ज्यादा सॉलिड ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, देखो मैंने अभी तक कुछ पढ़ाना शुरू नहीं किया, सिर्फ हम बातें कर रहे हैं ट्रिपल ए लेवल की, तो ये क्या चीज है, सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दिए कि 20 से 25 नंबर है, ये 5 से 7 नंबर, और ये सारी चीजें कहां पर एग्जामिन होंगी, क्वेश्चन नंबर वन में, क्वेश्चन नंबर वन में आपके पास ये सारी चीजें एग्जामिन होंगी, ठीक है, होंगी, हो नहीं सकती है, होंगी,
राइट। अब फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, ये मेन हेडिंग क्या लिखी हुई आपके पास, फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स, कॉपी कर लिया हमने, ये कर ले एक्सक्यूज मी साथ साथ कॉपी, जो ऑनलाइन बच्चे भी एक्सक्यूज मी साथ साथ कॉपी कर लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। और इसमें से आपको मेजर टॉपिक कौन सा नजर आ रहा है जी, मेजर टॉपिक कौन सा है, रिस्क, और है ही वही रिस्क असेसमेंट। हमारी जो क्लास प्रैक्टिस होगी वही होगी कि मैं आपको ये टॉपिक्स छोटे 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 कराऊंगा, फिर एकदम से बड़ा सवाल क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करता हूं, टॉपिक भी यही होगा रिस्क। ये एरिया जो है ना, दिस दीज आर द टू एरियाज, एक्सक्यूज मी, प्लानिंग और ऑडिट परफॉर्म करना, ये वो ये है, प्लानिंग एंड ऑडिट परफॉर्म करना। और इसमें आप लोगों की जो अकाउंटिंग नॉलेज है वो आपको जहन में होनी चाहिए, यानी कि IFRS 2 हो गया, IAS 19 हो गया। आपसे मैं आपको ये भी बता दूंगा, अभी नहीं ऐसे ऐसे जाते हैं कि कौन से IAS है, आप कोई भी सवाल उठा लो, कोई भी सवाल उठा लो, मैं आपको जो एक IAS की लिस्ट दूंगा, वो IAS आपको हर सवाल में कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। ट्रिपल ए इज वेरी मच प्रिडिक्टिव, लेकिन इसमें एक चीज की जो है ना वो शॉर्टेज नजर आती है, दैट इज द ड्राफ्टिंग स्किल्स, क्योंकि आपको पता है पूरा पेपर थ्योरी है, बल्कि अब तो मेरे ख्याल में आप नहीं बोल सकते कि थ्योरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी देकर आ चुके होते हैं सारे पेपर। SBR क्या है, वो भी सारा कुछ थ्योरी, अकाउंटिंग है, कुछ कुछ कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल में बहुत कम ही उसमें। SBL है, यू पीपल हैव अटेम्प्टेड, ठीक है ना, दिस इज द पेपर, इसमें आपके पास सारी कंप्लीटली थ्योरी है। तो ये स्किल्स लेवल के बच्चे बोलते हैं सर ये तो थ्योरी है, फिट इधर नहीं रहता, आप लोग आदि हो चुके हो, आइजाज है ना, आइजाज तो अपने है ना, देखो आगे 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 आइजाज है। अच्छा यहां तक बात क्लियर होती है, एक्सक्यूज मी, एक तो आपके पास क्वेश्चन नंबर वन की ये रिक्वायरमेंट्स आ गई। सेकेंडली अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री की फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स। इसमें आपके पास एक रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको बोला जाता है आपको कमेंट करना है, कमेंट ऑन द मैटर्स। क्या बोला मैंने, ये क्या, कमेंट ऑन द मैटर्स। सर एक अकाउंटिंग कंपनी ने, क्लाइंट कंपनी ने आपको एक सिनेरियो दिया, एक अकाउंटिंग करके दी हुई है, क्या करके दी हुई है, अकाउंटिंग, आप कौन है, हु आर यू, ऑडिटर। आपको बोला गया कि क्लाइंट कंपनी ने ये अकाउंटिंग की, इस पे जरा कमेंट करें, क्या करना है, अच्छाई निकालनी है बुराई निकालनी है, दोनों। आप बोलोगे अच्छा ये ट्रीटमेंट सही किया हुआ, यस, नाउ दिस इज एन इवैल्यूएशन, दिस इज अ व्हाट, इवैल्यूएशन। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, एक सवाल इधर सुने, एक सवाल सुने, हुआ क्या था, एक मुझे एग्जैक्टली डेट्स तो याद नहीं है, ऐसे अज्यूम करता हूं कि एक एसेट था वो रेडी टू यूज था लेट से फॉर एग्जाम्पल 20 जून को, रेडी टू यूज कब था, 20 जून को, और उसने एक्चुअल में यूज किया है लेट से नवंबर 2022 को उसने यूज किया है, और रेडी टू यूज कब था, जून 2022 में, ठीक है, यहां बात क्लियर होती है, ईयर एंड 31 दिसंबर, ऐसी फर्जी फिगर, और उसने डेप्रिसिएशन जो है वो नवंबर से चार्ज कर दी थी, यानी कि 2 महीने की डेप्रिसिएशन। कमेंट ऑन द मैटर्स, सही क्या, गलत क्या। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कहानियां, लिखेंगे मैटर, क्या इन्होंने एसेट ये परचेज किया है, फिर हम लोग लिखेंगे कॉमा लगा के, IAS 16 सेज दैट डेप्रिसिएशन शुड बी स्टार्टेड व्हेन द एसेट इज परचेज एंड अवेलेबल टू यूज, रेडी टू यूज, और कंपनी ने क्योंकि नवंबर में स्टार्ट किए डेप्रिसिएशन, विच मीन्स कितने महीने की चार्ज की होगी, 2 महीने की, तो लिहाजा एसेट इतनी इतनी अमाउंट से ओवर स्टेटेड है, डेप्रिसिएशन कम है, ये सुनो। So you have to play with the figures as well. Suppose करो कि 10 million का asset था, आप पूरी calculation करके बताओगे, 10 million का asset था, 20 साल की life है, उस हिसाब से तो इस साल कितनी depreciation होनी चाहिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने की, इसने 5 महीने की 2 महीने की यूज के 5 महीने से कम एसेट ओवर स्टेटेड है, तो ये ट्रीटमेंट आपको सही करना चाहिए, ऑडिटर बताओगे, वरना आप नीचे धमकी लिख दोगे, अदरवाइज ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा, समझे। सो दरअसल ये आपकी इवैल्यूएशन स्किल्स। अच्छा खैर एनीवेज
विद द पैसेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सी चीजें। ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी थी, ये कमेंट ऑन द मैटर्स है, यानी कि यू आर इवेल्युएटिंग वॉच, यू आर इवेल्युएटिंग द वॉच, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी। अच्छा, इसके अलावा एक और आपके पास फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स है और वो है एविडेंसेस एक्सपेक्टेड। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो आपको बताना, ये क्या लिखा है, एविडेंसेस व्हाट, ये बहुत अलग चीज है, बहुत अलग चीज है भाई। एक तो होता है प्रोसीजर, एक होता है एविडेंस, दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, लंबी चौड़ी नहीं, छोटी सी एग्जाम्पल, मैंने एसिड परचेज किया, या सुनेगा एक्सक्यूज मी, क्या परचेज किया भाई, एसिड परचेज किया है, रूम नंबर G3 में रखा हुआ जाके, आप ऑडिटर है, क्या लगाओगे बच्चों वाला प्रोसीजर, कोई मैं आपको बड़ी बात अभी नहीं कर रहा, प्रोसीजर क्या है, इंस्पेक्ट द एसिड टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस, ऐसा ही लिखता है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट द एसिड टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, खत्म हो गई कहानी। ये कहलाता है प्रोसीजर, क्या कहलाता है, ट्रिपल ए लेवल पर प्रोसीजर आपको कम ही मिलेगा, कितने नंबर का, इससे ज्यादा नहीं आएगा, हो गया 12 नंबर आ गया तो आ गया, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन ट्रिपल ए में इसकी ज्यादा अहमियत है। ये क्या लिखा है, एविडेंसेस एक्सपेक्टेड का मतलब ये है, मैं हारिस ऑडिट फर्म में जूनियर हूं एंड यू गाइस आर द सीनियर इन द ऑडिट फर्म, सही है, प्रोसीजर जो आप F8 पे पढ़ते थे ना, वो आप उस वक्त छोटे थे, जूनियर थे, हम प्रोसीजर लगाते थे, रिकैलकुलेट, इंस्पेक्ट द एसिड, डिस्कस विद द मैनेजमेंट, यहां पर ये काम आप नहीं करोगे, ये काम जूनियर कर चुका है, जूनियर कर चुका है, मैं जूनियर हूं, मैं हारिस जूनियर हूं, मेरा काम है इंस्पेक्ट द एसिड टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, आप फर्म में ऊपर के लेवल पर हो, मैं भी आपको बताता हूं, तो आप क्या एविडेंस एक्सपेक्ट करोगे, आप एक्सपेक्ट ये करोगे कि हारिस ने एसिड को इंस्पेक्ट और मेरे पास ये सबूत लेकर आ रहा है। एक और मिसाल मैं आपको बताऊं, वो सबूत क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, जी 1000 यूनिट रूम नंबर G3 में पड़े, इंस्पेक्ट द एसिड्स टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस, ये काम कौन करेगा, आप सीनियर या मैं जूनियर, जूनियर मैं करके आ गया, मैं आपकी खिदमत में सबूत लेकर आ रहा हूं, आप क्या उम्मीद करोगे कि हारिस ने क्या एविडेंस लेकर आएगा, यू डू नॉट हैव टू इंस्पेक्ट राइट, यू हैव टू एक्सपेक्ट व्हाट, सबूत एविडेंस, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, क्या उम्मीद लगाओगे कि हारिस ने क्या सबूत लेकर आएगा, आपने मुझे भेजा था भाई जा तो जरा एसिड चेक करके आ, मैं आ गया, मैंने आपको बोला हाँ भाई 1000 यूनिट पड़े, क्या सबूत लेकर आऊंगा, और एसिड, अच्छा वो एसिड रजिस्टर, वेरी गुड, काउंट शीट्स, फोटोग्राफिक एविडेंस, क्या चीज, ये चीजें आप एक्सपेक्ट करोगे मुझसे। सेकंड केस एक्सक्यूज मी, एक आपके पास सेकंड केस है, और वो क्या है, आपने मुझे भेजा, आपने बोला यार हारिस शरीफ जाके देखो इस कंपनी के बैंक में कितने पैसे पड़े हुए, सो इंस्पेक्ट द बैंक स्टेटमेंट टू वेरीफाई द बैलेंस, ये काम आप नहीं करोगे, कौन करेगा, मैं। अच्छा मैंने बैंक स्टेटमेंट देख ली कि 31 दिसंबर को कंपनी में $500 मिलियन है, ये प्रोसीजर है या एविडेंस है, प्रोसीजर है, ठीक है, ये काम किसने किया, आप सीनियर ने या जूनियर ने, मैं जूनियर हूं, मैं ये काम करके आ चुका हूं, आपकी खिदमत में आया, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, नो, क्या एविडेंस एक्सपेक्ट करोगे, हाँ बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, ओरिजिनल नहीं कॉपी, क्योंकि ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट तो कंपनी की है ना यानी कि मैंने सुनो, मैं क्लाइंट कंपनी के पास आया, तबानीज लिमिटेड में आया, मैंने बोला तबानीज लिमिटेड बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, मैंने देख ली ईयर एंड का बैलेंस 500 मिलियन था, ठीक है, फिर मैं वहां पर गया, फोटोकॉपी कराई, ओरिजिनल उसके हाथ में दे दी, और आपकी खिदमत में मैं क्या लेकर आऊंगा, कॉपी, किस चीज की, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, आई बात समझ में। एक और मिसाल, सब्सिक्वेंट इवेंट्स जिसको हम IS-10 कहते हैं, है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ईयर एंड के बाद कंपनी में आग लग गई, ईयर एंड के बाद कंपनी में क्या लगी, इज इट एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि ईयर एंड पर हादसे की कोई इंडिकेशन नहीं, इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, आपने मुझे भेजा, आपने बोला यार जरा देख क्या, तो उसकी फैक्ट्री की साइट में आग लगी है या नहीं, तो मैं गया, मैंने देखा हाँ भाई आग तो बुझ गई थी, लेकिन दीवारें तो काली हुई होंगी, मैं आपके पास खिदमत में आ गया फर्म में, मैंने बोला जी सर वहां पर आग लगी थी, आप बोलोगे क्या सबूत लेकर आए, फोटोग्राफिक एविडेंस, क्या चीज, फोटोग्राफिक एविडेंस, या फिर उस वक्त कंपनी ने भी तो फोटोग्राफ्स ली होंगी ना आग लगने की,
किसी ना किसी ने तो आग के साथ सेल्फी ली होगी, फीलिंग फायर, ठीक है। तो मुझे छोटी सी बात बताएं, ये कुछ ना, क्योंकि उस कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम भेजना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम वालों को फोटोग्राफिक एविडेंस देने, तो दैट इज द थिंग। तो यानी कि इस लेवल पर आपके पास इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, समझे? प्रोसीजर की इंपॉर्टेंस कम है, ट्रिपल में किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? 16-16 नंबर के सवाल आते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं इसकी कोई नंबर्स अलॉटमेंट आपको नहीं कर रहा, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये आपके पास एक सवाल आते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास रिव्यू स्टेज बहुत मिलेगा आपको, रिव्यू स्टेजेस, रिव्यू स्टेज के आपके पास जो है ना वो टॉपिक हो जाते हैं। अच्छा, प्लस इसमें आपके पास ऑडिट रिपोर्ट बहुत आती है। क्या चीज आएंगी आपके पास? ऑडिट रिपोर्ट्स। इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो मैं आपको अभी इस वक्त बता रहा हूं। ये जी आपको एविडेंस एक्सपेक्टेड वाली चीज समझ आई, कि मैंने उनको एक मिसाल ये दी थी कि सपोज ये करो कि बैंक स्टेटमेंट, बैंक में 500 मिलियन पड़ा है, आप सीनियर, आपने मुझे बोला भाई जरा चेक करके आओ, इंस्पेक्ट द बैंक स्टेटमेंट टू वेरीफाई $500 मिलियन। ये काम आप नहीं करोगे, मैं करूंगा। मैं कंपनी के पास, मैंने कहा बैंक स्टेटमेंट देख के आपके पास आ गया। अब जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि हारिस सनीफ बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लेकर आ रहा है? क्या लेकर आ रहा है? तो ये था एविडेंस इज एक्सपेक्टेड। फिर इसमें एक्सक्यूज मी एक ये रिक्वायरमेंट है, रिव्यू स्टेज, और क्या लिखा हुआ है? ऑडिट रिपोर्ट। और ये क्या लिखा हुआ है? इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट? देखो ये अलग चीज है, एविडेंस एक्सपेक्टेड अलग चीज है, और ये क्या है? दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, एक्सक्यूज मी छोटी सी एग्जांपल, कॉपी बाद में। वर्किंग पेपर फाइल समझते हैं? वर्किंग पेपर्स, ऑडिट है वर्किंग पेपर। भाई मैंने जब, मैं हारिस जूनियर हूं, जब मैंने ऑडिट करना है तो मैंने ऑडिट के सारे सबूत वर्किंग पेपर फाइल में लगा देना। वर्किंग पेपर फाइल बंद है, अभी खोली नहीं है। वर्किंग पेपर फाइल खोलने से पहले आप क्या उम्मीद लगाओगे मुझसे? वो है कहलाता है एविडेंस एक्सपेक्टेड। आई बात समझ में? केस टू, वर्किंग पेपर फाइल आपने खोल ली, उसमें से क्या निकलेगा? कबूतर थोड़ी निकलेगा, एविडेंस निकलेगा। जब उसमें से एविडेंस निकल आए तो उसके बाद आपने एविडेंस को क्या करना है भाई? इवैल्यूएट करना है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, एग्जांपल सुनना, मुझे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड तो नहीं, मैं आपको एक मिसाल से समझा रहा हूं। सुनो, यू आर ऑडिट मैनेजर। मैं आपको अभी फर्म की हायरार्की भी बताता हूं। ये है ना, आपके पास जो फर्म है उसकी हायरार्की क्या है, फर्म की हायरार्की क्या है? देखो सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास एक होता है ये बंदा, ये कौन है? ऑडिट पार्टनर। फिर आपके पास ये लोग होते हैं, एक्सक्यूज मी, जूनियर्स, या जिसको आप लोग बोल दो, ये कौन है? ट्रेनी। फिर ऊपर जाते हैं तो आपके पास आता है ऑडिट सीनियर। कौन आता है जी? ऑडिट। फिर और ऊपर जाते हैं, एफएट में आप ये होते हो, एफएट में ये होते हैं जूनियर, ठीक है। फिर उसके ऊपर जाते हैं तो आपके पास आता है ऑडिट सुपरवाइजर, एफएट में आप सुपरवाइजर भी होते हो। अच्छा, यहां पर एक और बंदा आता है जिसको हम कहते हैं ऑडिट मैनेजर। यू आर इन ट्रिपल ए, ट्रिपल ए के अंदर आप कौन हो? ऑडिट मैनेजर हो, एक्सक्यूज मी। इसका मतलब आप ऑडिट कर नहीं रहे, उसको मैनेज कर रहे हो, सुपरवाइज नहीं, सुपरवाइजर तो निचला है, मैनेजर। और फिर ऊपर पार्टनर है, पार्टनर तो आप नहीं बनोगे, पार्टनर तो आपके पास है। यानी कि ये आपका किरदार है, आप ट्रिपल ए में अपने आप को ऑडिट जूनियर नहीं बोलोगे, आप कौन हो जरा बताएंगे? ऑडिट मैनेजर। अच्छा, प्रोसीजर्स कौन लगाता है? जूनियर। ये जो बच्चे ना, ये क्या लगाएंगे? ये अप्लाई करेंगे प्रोसीजर्स। ये बंदा इसको क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। और आप ओके करोगे ना तो पार्टनर साइन करेगा। यानी कि ऑडिट मैनेजर हो आप, यू आर इन ट्रिपल ए। कौन हो आप? ऑडिट मैनेजर हो। आपको नीचे पूरे इस हायरार्की को मैनेज करना है। अब आप सुनो, यानी कि आप प्रोसीजर डिजाइन करके दोगे, करो खुद नहीं करोगे, प्रोसीजर आपने मुझे बताना है। हारिस जरा जाके प्रोसीजर लगा करा, यू विल गाइड मी द प्रोसीजर्स। आई बार समझ में? आई एम द जूनियर वन। फिर जब मैं जाऊंगा, प्रोसीजर लगाऊंगा, और दो दिन के बाद जब मैं आपकी खिदमत में आया,
तो आप मेरे एविडेंस को पहले तो क्या करोगे भाई, एक्सपेक्ट करोगे, है ना। मेरे हाथ में सारे प्रोसीजर्स हैं, सवाल पूछा जाएगा आपसे, बताओ हारी सनीफ जो एविडेंस लाए, क्या उम्मीद करोगे क्या एविडेंस लाया होगा। तो आप बोलोगे ये एग्जिस्टेंस के लिए फोटोग्राफिक एविडेंस लाया होगा, बैंक लोन लिया तो लोन एग्रीमेंट की कॉपी लेकर आया होगा, बोर्ड ने फैसला किया रिडेंडेंसी करने का तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स लेकर आया होगा। फाइल खोली कुछ भी नहीं निकला खाली, ये क्या है, ये इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस है, हाँ ना। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं सवाल की, देयर वाज अ क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में, बल्कि ऐसे चलो मैं आपको बता देता हूं, कंपनी ने एसेट खरीदा है, क्या खरीदा है, एक व्हीकल खरीदा है, और हारिस हनीफ ऑडिट जूनियर ने उस व्हीकल के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स देख लिए राइट एंड ओनरशिप ओनरशिप को वेरीफाई करने के लिए, और ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स देख लिए व्हीकल्स के, ठीक है, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स भी देख लिए हारिस हनीफ ने, और डेप्रिसिएशन भी देख ली, स्ट्रेट लाइन मेथड सब पर लग रहा है, सही है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस। क्या आपको कोई एविडेंस की कमी नजर आ रही है, आप इसमें दोनों बातें करो, आपने बोला कि हारिस हनीफ शाबाश, आपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन तो चेक कर ली, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भी देख लिए, डेप्रिसिएशन भी देख ली, लेकिन यार तूने फिजिकल एविडेंस का तो कोई एक सबूत ही नहीं दिया, है या ना। चल दोबारा जा और ये काम करके आ, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस इसके साथ साथ, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस के साथ साथ ये भी आ जाएंगे कि फर्दर प्रोसीजर्स क्या करने हैं, क्या करने हैं, ये बात समझ में आई है। एविडेंस एक्सपेक्टेड कब है, जब आपने अभी एविडेंसेस एनवेलप में है, किसमें है, एनवेलप से बाहर नहीं निकले, आप क्या उम्मीद लगाओगे कि क्या सबूत लेकर आएगा, व्हाट इज दिस, ये कौन सी रिक्वायरमेंट है, एविडेंस एक्सपेक्टेड, एंड व्हेन यू ओपन द फाइल आप उम्मीद कर रहे थे हारिस ने 10 सबूत लेकर आएगा, मैं 6 सबूत लेकर आया। आपने बचपन में एक चीज पढ़ी नहीं है, एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, तो आप ये जार्गन्स लिखोगे कि हारिस भाई ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। अच्छा पूरी पता है क्या, सुने पूरी कहानी बना के लिखनी है, आप बोलोगे यार मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 10 एविडेंस, ये एविडेंस, लेकिन वर्किंग पेपर फाइल में ये 4 एविडेंसेस है, एंड दीज आर नॉट सफिशियंट टू कंक्लूड द ओपिनियन, क्योंकि ये श्योरिटी नहीं है, ये अभी भी रिस्क मौजूद है, आई बात समझ में। लिहाजा सेकेंड हेडिंग फर्दर प्रोसीजर्स, अब वो फर्दर प्रोसीजर्स कौन से होंगे, जो एविडेंसेस मिसिंग होंगे, जो एविडेंसेस मिसिंग होंगे। तो यहां पर मैं, अच्छा ये इस पे मैं इतना टाइम लगा के क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बाज स्टूडेंट्स स्पेशली F8 वाले, वो F8 पास हो जाते हैं ना, खुशी हो जाती है पहले अटेम्प्ट में पास हो गया, ठीक है ना, तो आते मेरे पास कहते भाई सर F8 तो पास हो गया, अगला पेपर ट्रिपल ए ले लूं। मैंने कहा भाई आप जाए, ऐसे ऐसे 2-3 केस आए थे जुनूनी ना, उनका ऑडिट पास हो गया, सर अभी मैं ले लूं ट्रिपल ए। मैंने कहा नहीं भाई, आप पहले फंडामेंटल पूरा करो, फिर SBR पढ़ो, फिर उसके बाद ट्रिपल ए पढ़ो, ठीक है ना। तो ट्रिपल ए के लिए SBR इज अ रिक्वायरमेंट। और ये चीज, अच्छा बाज F9 के भी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका F9 अच्छे नंबर से पास हो गया, सर पहले हम क्या ले लें, AFM ले लें। भाई क्यों ले लें AFM पहले, ऐसा होता है, मना करते नहीं उसको, आप ले भी नहीं सकते टेक्निकली, क्योंकि आपको वो पहले क्लियर होना चाहिए ना कंपलसरी वाले, ठीक है ना, ये सारी चीजें। एनीवेज तो आप देखो यहां पर फिर से रिपीट, ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर मार्जिन कितना मैंने बोला है, 5 से 10 नंबर, 10 नंबर तक के भी प्रोसीजर है, लेकिन ट्रिपल ए लेवल पर इसकी ज्यादा अहमियत है। एविडेंसेस प्रोसीजर नहीं लगाने, एविडेंसेस प्रोसीजर लगा चुका है कौन, जूनियर लगा चुका है प्रोसीजर, आपने उसकी एविडेंसेस को क्या करना है, पहले तो उम्मीद लगानी है क्या एविडेंस लाया होगा, और जब आप एविडेंस खोल के देख लोगे तो फिर क्या आ जाएगा, इवेल्युएशन। ये फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूं मैं आप, ठीक है। अच्छा उसके अलावा आपके पास समटाइम्स ये भी आ जाता है, दैट इज द क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट, सॉरी इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी। यार ये बड़ी जबरदस्त किस्म की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी अगर आ गई तो आ गई। ये क्या लिखा हुआ है, एक्सक्यूज मी, इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट, ये क्या है, ये जो लफ्ज है ये क्या है, ये क्या लिखा है, क्वालिटी किसकी, क्वालिटी इवैल्यूएशन, नहीं, एविडेंस की नहीं, इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट, पूरे ऑडिट की क्वालिटी, पूरे ऑडिट की क्वालिटी। इसमें पता है क्या क्या आ जाएगा, ये जो क्वालिटी का लफ्ज है ये बहुत ही वास्ट है, पूरी क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इसके बहुत सारी टाइम आ जाएगी। आप मुझे बोलोगे जैसे एक मिसाल, एक पेपर की मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, गौर से सुनना,
इसमें आइडियाज आ जाएंगे, इसमें एथिक्स आ जाएगा, इसमें टाइम आ जाएगा। जरा सुनना एक रिक्वायरमेंट, ये देखें, ओपिनियन देने से पहले मैनेजर और पार्टनर ने, किसने, ऑडिट मैनेजर यानी कि आप और ऑडिट पार्टनर ने सेम डे में सारे वर्किंग पेपर्स को रिव्यू कर लिया था। क्या बोला मैंने? तो ये आप लोगों की पुअर क्वालिटी है, यानी कि मैं मैनेजर हूं, मैं मैनेजर हूं, पूरे साल की ऑडिट के वर्किंग पेपर मैंने 2 घंटे में चेक किए, पार्टनर को दिए, पार्टनर ने 1 घंटे में लपेट दिया। तो इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है? इसके आंसर में लिखा हुआ है कि दे आर नॉट यूटिलाइजिंग द सफिशिएंट टाइम टू रिव्यू द वर्किंग पेपर्स। हाँ या ना? यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रिपल ए का पेपर दिया 3 घंटे में, मैंने 5 मिनट में चेक कर दिया। तो 5 मिनट में पेपर कौन चेक करता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो उसके आंसर में लिखा हुआ है ये चीजें कि ये ऑडिट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सेम डे में रिव्यू करना, कौन, पार्टनर, और उसमें लिखा हुआ है दे आर हैविंग अ वेरी क्विक लुक ऑन द वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर तो आपको पता ना क्या चीज होती है, ऑडिट करते उसको वर्किंग पेपर में स्टिक करते हैं। तो ये सारी चीजें, इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट क्वालिटी परफॉर्म, ये भी एक रिक्वायरमेंट, और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की रिक्वायरमेंट आपके पास है। मुझे नहीं पता बाकी और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आ सकती है। आगे मैं लिख रहा हूं यहां पर आपके पास अदर एरियाज, अदर एरियाज या फिर अदर टॉपिक्स, वो मुझे नहीं पता कौन से एग्जामिन होंगे। मैंने आपको ये बता दिया ये फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें से एक्सक्यूज मी ऑडिट रिपोर्ट पर स्टार जरूर लगाइएगा, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट का सवाल आएगा ही आएगा। अब मैं आपको बता दूं ऑडिट रिपोर्ट का सवाल कैसे आता है। पहले तो चलते हैं F8 में, पहले तो चलते हैं भाई F8 में, ठीक है। अब F8 में आप सबसे पहले मुझे आप ये पॉइंट बताइएगा, सुनिए, F8 में सबसे पहले मुझे ये बताएं ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर सवाल कैसे आता था। आपके पास एक छोटा सा केस आता था 4 नंबर का, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, उसमें आपको बोला जाता था कि अगर ये इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ तो ऑडिट रिपोर्ट पर क्या इंप्लीकेशंस आएंगी। ऑडिट रिपोर्ट में यहां पर भी वैसा सवाल आता है कभी कभी, एक है फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट में, वो है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट बनी हुई देंगे, ऑडिट रिपोर्ट, और आपसे क्या कहा जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट आपको ये कहा जाएगा, अच्छा अगेन आप है कौन, आप ऑडिट मैनेजर, आपको ये बोला गया कि यार सुपरवाइजर जो बंदा है ना उसने ये ऑडिट रिपोर्ट बना दी है, ऑडिट रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट की है, तुम कौन हो, मैनेजर, या फिर आपका एक और रोल भी हो सकता है, दैट इज अ क्वालिटी रिव्यूअर। खैर वो मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा। आपकी खिदमत में मैंने जूनियर ने ऑडिट रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट बना के दे दिया है, आपको बोला जाएगा क्रिटिकली अप्रेज द ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोला, यानी कि आपको मिस्टेक्स निकालनी है किसमें से, ऑडिट रिपोर्ट में से। मैं आपको एक मिसाल दूं, मुझे पता है शायद आप लोग भूल गए हो, ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले टाइटल होता है, फिर एड्रेसी होता है, फिर ओपिनियन पैराग्राफ होता है। सर आप F8 याद दिला रहे हैं, इधर हमें SBR SBL याद नहीं है जो पेपर देकर आए, चलो खैर हो गई। तो उसमें क्या, ऑडिट रिपोर्ट में जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताऊं, आपको तो पता है कि ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन। एक दफा सवाल में था, उसने लिखा था कि फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर ए ने जानबूझ के मिस स्टेटमेंट किए। क्या ऑडिट रिपोर्ट में हम कभी किसी का नाम लिखते हैं? तो आप बोलेंगे भाईजान ये तुमने ऑडिट रिपोर्ट में फाइनेंस डायरेक्टर का नाम मेंशन किया है, नाम नहीं बोलते होते मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि आपको ऑडिट रिपोर्ट बनी भी देंगे और आपको उसमें से क्या करना है, मिस्टेक्स निकालनी। यू डू नॉट हैव टू रिप्रोड्यूस, यू डोंट हैव टू रिप्रोड्यूस, आपको रिप्रोड्यूस नहीं करना, यू डू नॉट हैव टू रिप्रोड्यूस द थिंग्स, आपको ऑडिट रिपोर्ट को रिप्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या काम करना है बताइएगा, आपको सिर्फ ये बताना है कि ऑडिट रिपोर्ट में मिस्टेक्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन अगेन इन पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, मैं भी ख्याल रखवाऊंगा आपसे, एंड दैट इज अ प्रोफेशनल मार्क्स। क्या चीज है यार, इस पंच लाइन पर प्रोफेशनल मार्क्स छुपे हैं, ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। एनीवेज, तो ऑडिट रिपोर्ट में, एक्सक्यूज मी, ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि यू विल बी प्रेजेंटेड विद एन ड्राफ्टेड ऑडिट रिपोर्ट, कि भाई ये बच्चे ने बनाई ऑडिट रिपोर्ट, तुम जरा चेक करो। आप लोग कौन हो, ऑडिट मैनेजर, आप बताओ यार ये ऑडिट रिपोर्ट सही नहीं बनी, लेकिन उसके लिए आपको खुद ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए। हम पढ़ेंगे यहाँ पे, 2 क्लास उसमें लगेंगे आराम से, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें, अच्छा ये तो हो गई आपके पास नॉर्मल सी फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स। ऊपर देखो यहाँ पर, एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने नंबर की मैंने आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताई है,
मिनिमम मैक्सिमम को छोड़ दो इसको भी 5 लगा लो, ये लो इधर 5 लगा लो इसको, मिनिमम भी 20 25 और 5 30 30 नंबर की रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी है कि ये आएंगी। अब इसमें 10 नंबर आपको किसके डालने, दोनों एग्जामिनर कुछ भी और भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है आपको। यानी कि 30 मार्क्स मैंने आपको बता दिया कि कहां से आने, ज्यादा बात क्लियर, एक्सक्यूज मी अब इधर, एक्सक्यूज मी, ये जो चीज है ना, ये रिक्वायरमेंट्स, ये वाली इधर सुनना, ये जिसमें मैंने येलो किया हुआ है, एक्सक्यूज मी यहां देखिएगा प्लीज, ये एक साथ रिक्वायरमेंट पूरी सुनना, एक्सक्यूज मी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स दिए, गौर से सुनो, कॉमेंट ऑन द मैटर्स एंड एक्सप्लेन वॉट एविडेंस विल यू एक्सपेक्ट, ये एक ही रिक्वायरमेंट है, पता कितने नंबर की, 25 सीधा सीधा, अंदर 3 केसेस हैं, कितने केसेस हैं, 3, एक 6 नंबर का, एक 5 नंबर का, एक 8 नंबर का, इस तरह करते हुए वो आपके पास 16-16 नंबर के भी आते हैं, मुझे नहीं पता हो सकता नंबर कम भी हो जाए भाई, 25 नंबर का नहीं। अच्छा, इसी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट 10 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल, ऑडिट रिपोर्ट बच्चे ने बनाकर दे दिए, चेक करो ऑडिट रिपोर्ट को, ये क्या लिखा हुआ है, एक अटेम्प्ट में ये सवाल आया था, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस विद फर्दर प्रोसीजर, पता क्या था रिक्वायरमेंट सुनना, इवैल्यूएट द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एविडेंस एंड रिकमेंड द फर्दर प्रोसीजर्स, 3 केसेस अंदर छोटे छोटे, इतने कितने केसेस, रिक्वायरमेंट 25 नंबर, एक और रिक्वायरमेंट भी साथ थी, कितनी कितनी मार्क्स, 25 नंबर पूरा का पूरा। एक दफा सवाल आया था ये ऑडिट क्वालिटी का, 12 या 13 नंबर का, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आपके पास फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, अगर आप इनमें भी, मैं आपको बताऊं, 30 नंबर मैंने आपको उधर बता दिए, 40 नंबर प्रोफेशनल मार्क्स के साथ, इधर भी आप तकरीबन जो है ना 20-25 नंबर इसके रिज्यूम करें, यानी कि ऑलमोस्ट 70% जो आपका पास पेपर है ना, और भी चीजें हो सकती हैं, इनके नंबर कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, एक बात तो आपके पास वाजी ये हुई है कि आपका किरदार क्या है, व्हाट्स योर कैरेक्टर इन द फर्म, ऑडिट पार्टनर नहीं कौन हो, समटाइम्स ऑडिट क्वालिटी रिव्यूअर, ये इस चीज के लिए कौन, क्वालिटी रिव्यूअर भी आप हो सकते हो। अच्छा, अब चलते हैं पीछे, मुझे दोबारा इधर आने आपके पास सिलेबस की तरफ, यार एक काम कर रहा हूं मैं, ऑन अ सेफ साइड है ना, इस परसेंटेजेस को हटा देता हूं, पता चले आप लोग बोले नहीं भाई यही परसेंटेजेस है, आपको मैंने उधर बता दिया वो ज्यादा सही है, दैट्स मच मोर सेफ। इधर सुने भाई, मैंने अब आपसे जो डिस्कशन करनी है ना, दैट इज रेगुलेटरी एनवायरमेंट, मैं आप अब जरा टॉपिक्स के ऊपर दोबारा आ जाते हैं, इसमें एक टॉपिक है लॉज एंड रेगुलेशन का, मनी लॉन्ड्रिंग का एक टॉपिक है, मनी लॉन्ड्रिंग आप लोगों ने पहले पढ़ा है कहां पे, मनी लॉन्ड्रिंग इसमें SBL में है नहीं, अच्छा F1 में है, वो भी यहां पर तो केस स्टडी है ना, ये क्या लिखा हुआ आपके पास, प्रोफेशनल एथिक्स, और क्या लिखा है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट। अच्छा, एथिक्स में वही चीज है, कौन कौन सी, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, थ्रेट, और ये उस किस्म की चीजें, कुछ चीजें एडिशनल भी है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट उसके ऊपर बाद में बात है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये प्लानिंग और ऑडिट, यानी कि ये वाली रिक्वायरमेंट्स है, आई बात समझ में, ये वाली रिक्वायरमेंट है, 30-35 नंबर इससे आते हैं आपके पास। फिर आ जाओ जी इसमें प्लानिंग एंड कंडक्ट, ये क्या लिखा है, कंप्लीशन एंड वॉच, रिव्यू और रिपोर्टिंग, इधर आ जाओ, व्हाट इज दिस, ये क्या है, एरिया एफ की अदर असाइनमेंट्स आएंगे, हर एरिया एग्जामिन, हर एरिया एग्जामिन होता है, अदर बाकी यार इनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता फिलहाल, करंट इश्यूज को ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो वेट करते हैं ना, करंट इश्यू तो कभी भी आ सकता है, SBR में तो होता है। सर ये जो अदर असाइनमेंट्स है ना, गौर कीजिएगा प्लीज सारे स्टूडेंट्स, इसके ऊपर अदर असाइनमेंट्स के ऊपर, व्हाट इज दिस अदर असाइनमेंट्स, अदर असाइनमेंट आएंगे पेपर में, ये मुझे नहीं पता कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर तक तो आप इमेजिन कर सकते हो। इसमें इस अदर असाइनमेंट में एक असाइनमेंट है जिसको हम कहते हैं, कॉपी मत करना सिर्फ सुनिएगा, ये क्या है, व्हाट इज दिस, नहीं, ड्यू डिलीजेंस ऑफ कंपनी, यू गाइज आर द फर्म, आप कौन है, आप ऑडिट फर्म है, मैं हरीश सनीफ, उबर हूं,
मुझे करीम एक्वायर करनी है, क्या करनी है, कैसी खरीदूं, ये ले करीम पैसे और करीम मेरे नाम नहीं। आप एक शर्ट भी खरीदने जाते हो तो आप बहुत सारी चीजें इवेल्युएट कर दो, आया ना, तो क्या बिजनेस की एक्विजिशन और मर्जर्स के लिए चेक करना है, एक्सक्यूज मी, कंपनी जब एक कंपनी को परचेस कर रही है, कंपनी सब्सिडियरी को परचेस करना चाह रही है, सही है, मुझे छोटी सी बात बताए, नंबर वन, या तो मुझे आता नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम द कंपनी हारिस हनीफ एंड यू पीपल आर अनस्टैंड यंग ई वाई, यू पीपल आर केपीएमजी, यू आर फर्म, मेरी नजर में एक टारगेट कंपनी, मैंने उसको परचेस करना है, या तो मेरे पास टाइम नहीं है या ये काम करने की स्किल्स नहीं। मैंने आप लोग को अप्रोच किया, मैंने कहा भाई फर्म ये कंपनी खरीदनी है, जरा चेक करके बता दें। अब आप उस कंपनी के एसेट लाइबिलिटीज बिजनेस ऑपरेशंस पूरी चीज, ऑडिट नहीं है ये, क्या लिखा हुआ, इट्स अ ड्यू डिलिजेंस, इट्स नॉट एन ऑडिट, सो यू विल बी एनालाइजिंग दैट कंपनी। और आप मुझे आखिर में आके तीन बातें बता दोगे, कितनी बातें, खरीदनी है या नहीं खरीदनी, नंबर टू, कितने रुपए पे खरीदनी चाहिए, एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू परचेज, व्हाट इज द व्हाट राइट टाइम टू परचेज। जैसे एग्जांपल, मैंने बोला यार मुझे एक होटल खोलना है नॉर्दर्न एरियाज में, आप मुझे मुखलिस हो गए, आप बोलोगे हारिस भाई अभी खरीद लो नवंबर दिसंबर में, क्यों, बर्फबारी होती है, इतने ज्यादा लोगों का ट्रैवल होता नहीं है, टूरिज्म सीजन नहीं है, तो वहां पे प्रॉपर्टी के रेट थोड़े कम हो जाते हैं, यस और नो, जबकि जून जुलाई में जो नॉर्दर्न जो पीक सीजन होते हैं वहां पे चीजें क्या हो जाती है, हर एक चीज के टाइम को परचेस करने की चीजें। तो आप मुझे आखिर में इसके बारे में अपनी राय कायम करके बताओगे कि खरीदनी है नहीं, नंबर टू कितने रुपए पे, और व्हाट्स द राइट टाइम, ड्यू डिलीजेंस, माजी में क्वेश्चन है 25 नंबर का पूरा ड्यू डिलीजेंस, कितने नंबर का, 25 मार्क्स कंप्लीट ड्यू डिलीजेंस, ठीक है ना, तो ऐसा भी चीज होती है। अच्छा, इसी के साथ आपके पास एक और चीज है, What is this? Prospective financial information. क्या बोला मैंने? Prospective financial information. मिसाल, मैं से क्या करने जा रहा हूं? लोन. क्या मिजान बैंक का पूछने का ये हक है मुझसे? क्या करेगा ये पैसा? 5 करोड़. हाँ है. यार मैं बैंक के पास जा रहा हूँ. मैंने कहा मुझे 10 करोड़ का 5 करोड़ लोन चाहिए. वो इतना नहीं पूछेंगे क्या चाहिए? है कि नहीं? तो मैं मिजान बैंक को बोलूंगा कि भाई मैंने कंस्ट्रक्शन काम में एक इन्वेस्टमेंट करनी है, ये वो। अब चलो F9 पे, क्या आप लोग एनालिसिस करते हो, NPV निकालते हो, रिस्क असेसमेंट करते हैं, फ्यूचर की, प्रेजेंट की नहीं, पास की नहीं, किसकी, फ्यूचर की पूरी प्रेडिक्शन बनाई, कैश फ्लो फोरकास्टिंग बनाई। मिजान बैंक मुझे कह रहा है हारिस भाई जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करना है ना उसकी कैश फ्लो प्रेडिक्शन तो करके आओ जरा, डिस्काउंट फैक्टर लगा के, NPV क्या चार में आपके प्रोजेक्ट में। मैं बना के ले गया, मिजान ने वापस बोले तो तूने खुद बनाई, किसी से चेक करा के ला? तो मैं आपके पास पहुंचा, आपको बोला ये मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल नहीं है, क्या है, फ्यूचर की प्रोस्पेक्टिव है, तो आप इसको चेक करोगे कि यार तुमने अजम्पशन सही लगाई है, डिस्काउंट फैक्टर सही यूज किया है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें आई बस समझने। जबकि ऑडिट किस चीज का होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, किसका होता है, इट्स नॉट एन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज दिस, इट्स अ प्रोस्पेक्टिव, यानी कि इसमें आपके पास चार चीजें आएंगी, नंबर वन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फोरकास्टेड कैश फ्लो, फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट, फोरकास्टेड बैलेंस शीट, या फिर फोरकास्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, फोरकास्टेड व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर के फ्यूचर के प्लान्स क्या है। तो फ्यूचर के प्लान्स को जब आपने चीजें चेक करनी है, दैट इज नोन एज द PFI, PFI स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसी तरीके से आप क्या लिखा हुआ है, फोरेंसिक ऑडिट, व्हाट इज दिस फोरेंसिक ऑडिट, इसका मतलब होता है कि चोरी नहीं है, रिपीट, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, अदर असाइनमेंट्स, हैदर अब आपको स्क्रीन आवाज और स्क्रीन क्लियर होगी जिसकी डिस्टॉर्शन थी, कैन यू प्लीज कंफर्म, एक मिनट,
कैन यू प्लीज कंफर्म, अब आपको आवाज स्क्रीन वगैरह सब क्लियर हो गई है? ठीक है, ओके. अब जरा सुनो, एक्सक्यूज मी. फॉरेंसिक ऑडिट, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, गौर से सुना. पेपर में केस था, एक कंपनी है, उस कंपनी की ही व्हीकल में से वो कंपनी बनाती है मोबाइल फोन और लैपटॉप्स. दिस आर केस इन द किट, हम करेंगे इसको. तो उसमें पता ये लगा गया कि भाई कुछ डब्बे गायब हो गए. डब्बे क्या हो गए? चोरी हो गई. फॉरेंसिक प्रोसीजर करो. अब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कर रहे, आप क्या देख रहे हो? चोरी. प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल सीआईडी बन के सोचना. सीसीटीवी फुटेज देखो, जूम करो. हाँ, और यहां पे आपको इस लेवल तक सोचना है, मिसाल के तौर पे कि इतना वेट चोरी हुआ है, चोर ने तो मास्क पहना होगा ना, थोड़ी तो कैमरे में हिलाएगा हाथ ऐसे कि भाई मैं हूं, ठीक है ना. तो उसकी फिजिक्स आप अंदाजा लगाए कि ये इतना वेट उठा सकता है, कौन हो सकता है, किस पेशा, किस किस्म के लेवल है. फॉरेंसिक ऑडिट में आपको इस लेवल तक सोचना है, ठीक है. मतलब इट्स नॉट एन ऑडिट. ऑडिट तो वो होता है जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. ये क्या है? चोरी को पकड़ना. अच्छा, अमूमन ऐसा होता है, मैं आपको एक वक्तन फवक्तन यार चीजें आपको बता दूंगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फॉरेंसिक एक और एग्जाम्पल, मेडिकल नेग्लिजेंसी होती है ना, मेडिकल नेग्लिजेंसी. भाई डॉक्टर ने गलत टीका लगा दिया, बंदा सही होने की वजह और उल्टा बीमार हो गया. आप ऑडिटर हो, फॉरेंसिक ऑडिट करें. अब देखो, आपको मेडिकल की नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक स्केप्टिसिज्म है. क्या है स्केप्टिसिज्म? आप अपने साथ दो डॉक्टर रखोगे, ठीक है. आप बोलोगे यार जो दवाई लगाई है उसके बारे में बताओ, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं थी. फिर अपने डॉक्टर से पूछोगे यार ये सही दवाई लगाई कि ये नहीं लगाई, इसकी टाइमिंग सही थी, बेहोश करते वक्त इसने एनेस्थेसिया, जिसको बेहोश करते वक्त उसने ब्लड प्रेशर चेक किया था या नहीं. ये अब आपकी स्केप्टिसिज्म यूज होगा, ठीक है ना. आप अपने साथ किसको रखोगे? डॉक्टर को रखोगे. दिस इज द फॉरेंसिक ऑडिट. आपने इस लेवल तक सोच लिया, आई बात समझ में. फिर आपने देखा, आपने बोला डॉक्टर कौन था, उसकी डिग्री निकाल, घर का बना हुआ देसी डॉक्टर तो नहीं है, या सीखते सीखते तो डॉक्टर नहीं बन गया, बाकायदा डॉक्टर है. मतलब दिस इज द इन्वेस्टिगेशन. अरे अज्यूम योर सेल्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट में, लेकिन ज्यादा अज्यूम नहीं करना, ठीक है. अच्छा, इधर आ जाए. उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट के बाद एक और चीज, इसमें आपके पास एक और टॉपिक भी आता है, विच इज दिस सोशल और क्या, एक्सक्यूज मी, क्या लिखा हुआ है? सोशल एंड, व्हाट इज दिस सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट. या जैसे आजकल वो भी चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, आप ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आईएसएस अप्लाई होते हैं, ऑडिट कैसे कर रहे हैं ये भी आपको पता लगा. एग्जाम्पल, एक कंपनी पॉल्यूशन बहुत क्रिएट कर रही है. क्या क्रिएट करिए? पॉल्यूशन. कैन यू टेल मी कौन सा आईएस लग सकता है उसमें? पॉल्यूशन क्यों होता है? वजह, वेरी गुड, आपने इससे बोला पॉल्यूशन क्यों होता है. ये मेरी मशीन धुआं क्यों छोड़ेगी? भाई आपने अक्सर देखा होगा सड़क पे पुरानी गाड़ियां जा रही होती, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, पॉल्यूशन. तो उसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे? 36. क्यों? मशीन पुरानी हुई है तो पॉल्यूशन हो रहा है, हाँ या ना, ठीक है ना. इसे इंपेयरमेंट. नंबर टू, आईएस 37 भी लगेगा इसमें, क्योंकि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो मेरे ऊपर केस हो सकता है, प्रोविजन बुक होगा, हाँ या ना. सर केस की शिद्दत बढ़ गई, लाखों क्लेम्स आ गए कि इनके पॉल्यूशन की वजह से हजारों लोग बीमार पड़ गए, कंपनी बंद होने का खतरा भी आ सकता है, IS1 गोइंग कंसर्न, ठीक है. पुरानी मशीन बेचनी है अब तुमने, IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्पफुल सेल एंड डिस्पोजल, आई बात समझ में. अच्छा खैर, वो एक अलग चीज है. सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट में क्या चीज है कि जो आपकी सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल एक्टिविटीज है उसका भी ऑडिट होगा. तो ये सोशल और एनवायरमेंटल ऑडिट. अब ये जो अदर असाइनमेंट्स लिखे हैं ये पेपर में आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको आएंगे, लेकिन कौन सा आएगा ये मुझे तो नहीं पता ना भाई, कौन सा आएगा कि PFI आ गया, ड्यू डिलीजेंस आ गया, फोरेंसिक ऑडिट आ गया, सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट आ गया. आई कैन से, लेकिन आई कैन से वॉट, दैट इट विल बी एग्जामिन नियर अबाउट 10 मार्क्स, 8 टू 10 मार्क्स, 7 टू 8 मार्क्स, 8 टू 10 मार्क्स, समटाइम्स इन द पास्ट ईयर्स. अच्छा, इनमें आपको क्या लग रहा है, इन चारों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ज्यादा एग्जामिन होते हैं. अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आते, पढ़ना तो हमने सभी है, ये भी आते हैं. इस पे माजी में 10-15 नंबर का केस है, इसमें माजी में आपके पास 10-15 नंबर के केसेस हैं. सो वी कांट से, हम इसको कुछ नहीं कह सकते भाई. यहां पर आपके पास ये एरिया जो है वो एग्जामिन होंगे, फॉर श्योर एग्जामिन होंगे, आई बात समझ में. अब जरा ये सुनिए, एक्सक्यूज मी, पूरा जो AAA है वो मैंने आपको अभी बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें. अच्छा, इसके अंदर आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक भी है,
व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है कि आप काले पैसे को लीगल मनी कर रहे हैं. उसके खैर काफी तरीके का है, दैट्स अ टॉपिक, तो उसको मैं तो आप पढ़ाने पर तो नहीं जा रहा फिलहाल. तो वो आपके पास चीजें, यू विल बी हैविंग अ केस स्टडी. केस स्टडी आपको रिक्वायरमेंट में पता है क्या पूछेंगे? ऑडिटर भाई आइडेंटिफाई द सिग्नल फैक्टर, मतलब आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच में कास्ट डाउट दैट कंपनी इज डूइंग व्हाट, मनी लॉन्ड्रिंग. कौन कौन से ये चीजें देखकर आपको शक पैदा करना है कि अरे जो आपकी कंपनी है ये क्या काम कर रही होगी, आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. यहां तक बात समझ में आ रही है? सो दैट इज द थिंग. फिर आप क्या प्रोसीजर करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो आपको ये बताना है. अच्छा, फॉरेंसिक ऑडिट में आपको पता है, फॉरेंसिक ऑडिट में थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये जरा सुनिएगा. फॉरेंसिक ऑडिट कौन रखता है? इंश्योरेंस कंपनी वाले रखते हैं फॉरेंसिक ऑडिटर, परमानेंट फॉरेंसिक ऑडिट के लिए. मतलब परमानेंट तो नहीं, अपॉइंट करते हैं इंश्योरेंस वाले. पता क्यों? इंश्योरेंस वाले इसलिए अपॉइंट करते हैं इन चीजों को. वो नहीं, मैंने नहीं ली, देखे थे मैं करके अच्छा, जो इंश्योरेंस वाले वो बहुत अपॉइंट करते हैं फॉरेंसिक ऑडिट भाई, क्योंकि लोग झूठा क्लेम भी तो ले आते हैं, झूठा क्लेम भी तो ले आते हैं. मिसाल के तौर पे आपने अपनी गाड़ी खुद चोरी की और इंश्योरेंस क्लेम कर दिया. ये सर नो क्वाइट मेरी पॉसिबल, ऐसा बहुत होता है, रियल लाइफ में भी होता है. जब पढ़ाने जाऊंगा एक दो वाक्यात शेयर कर दूंगा, तो वो जो मैंने सुने थे चीजें आपको पता है. यहां तक के एक कपड़ा जल गया है, इसकी मैं आपको मिसाल बताऊंगा बाद में. कपड़ा जल गया, मेरी टेक्सटाइल कंपनी है. क्या जला हुआ कपड़ा, कैन यू टेल मी कि जला हुआ कपड़ा फिनिश गुड्स था या रॉ मटेरियल था? कैन यू टेल? मैं और आप तो नहीं बता सकते. ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि फॉर एग्जांपल ये मैंने शर्ट जो पहनी हुई है, अगर खुदा ना खासा इसको जला दे और एक वेस्ट कपड़ा है उसको जला दे, मैं तो कभी भी नहीं पहचान पाऊं. मुझे तो नहीं आता भाई ये चीज, आप भी नहीं पहचान पाओगे. लेकिन जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होगा ना, जो आपको टेक्सटाइल के अंदर तो बाकायदा मास्टर्स होते हैं, तो वो उन लोगों को अपॉइंट करेंगे कि भाई आप बताएं कि यार ये सिस्टम सही हुआ था या नहीं था, मतलब व्हाट वाज द थिंग. बहुत सारी चीजें, तो उसके लिए आपके पास उस लेवल तक भी आपको सोचना है फॉरेंसिक ऑडिट में. लेकिन अगेन केस स्पेसिफिक आपने प्रोसीजर्स उसमें लिखने होंगे, बाकी ड्यू डिलीजेंस और ये तमाम चीजें. अच्छा, फिर उसके बाद ये आप, ये आपने कॉपी किया ही? अब आ जाए आपके पास दोबारा से ऑडिट साइकिल पे. देखिए ऑडिट साइकिल में सबसे पहला पॉइंट ऑडिटर क्या हो रहा है, अपॉइंट हो रहा है. सेकेंड नंबर पर क्या चल रहा है, मतलब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर चल रहा है. थर्ड नंबर पे क्या चल रहा है, प्लानिंग. फिर ऑडिट परफॉर्म, पीओसी सबसेंडिव, और क्या है, रिव्यू. और फिर आपके पास रिपोर्टिंग. अब मैं आपको पढ़ाने का सिस्टम कहां से शुरू करूंगा ये जरा सुन लें. हम सबसे पहले स्टार्टिंग की क्लासेस, मतलब टॉपिकल वाइज नेक्स्ट क्लास में टू बी वेरी ऑनेस्ट परसों से स्टार्ट करेंगे सिर्फ ओरिएंटेशन में. अभी सिर्फ और सिर्फ हमने दो मेन टॉपिक्स पर फोकस करना है स्टार्टिंग में. कौन कौन से? रिस्क और प्रोसीजर. कौन सा? रिस्क और प्रोसीजर. क्यों? क्योंकि रिस्क वेटेज देखो, 20 नंबर, 25 नंबर, 5 नंबर, तरीकेकार ही होगा. सबसे पहले मैं आपको रिस्क असेसमेंट का टॉपिक कराऊंगा. ये जो आपको मैंने अभी हैंडआउट की शीट दिया ऑनलाइन बच्चा, आप लोगों को मैं बाद में शेयर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में. इसमें छोटी छोटी एग्जाम्पल्स, देन वी विल बी डूइंग प्रोसीजर्स. एक्सक्यूज मी, क्या करेंगे हम लोग उसके बाद? हम लोग क्या काम करेंगे? देन वी विल स्टार्ट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. समझे कि जो सीखा है, चल भाई क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 1 थोड़े से करने, फिर उसके बाद आई विल बी कमिंग टू दीज एरियाज, फिर इनके टॉपिक्स, फिर आई विल बी कवरिंग अदर एरियाज, फिर आई विल बी कमिंग बैक अगेन ऑन क्वेश्चन नंबर 1, कमिंग बैक ऑन क्वेश्चन नंबर 1 अगेन. ठीक है, क्योंकि मुसलसल क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, फिर आगे पीछे जाके क्वेश्चन 1 दोबारा, फिर उसके बाद एथिक्स और ये तमाम चीजें. यानी कि टू बी वेरी सिंपल, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, कौन सा? रिस्क असेसमेंट, फ्रॉम आर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, आज बस ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी और ओरिएंटेशन. एनीवे आई एम नॉट फीलिंग वेल एज वेल. तो बाकी जो नेक्स्ट क्लास है इंशाल्लाह, क्लास टाइमिंग पता है आप लोगों को? फ्राइडे. आज क्या है? मंडे, 7 PM. ठीक है. अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात भी बता दें कि आप लोग ऑफिस है, ऑफिस है आपका, आपका आपका नहीं, तो आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, कैन यू प्लीज टेल मी कि आप लोगों, आप लोग ऑफिस से कितने बजे फ्री हो जाते हैं? जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स कि आप लोग ऑफिस से आपका फ्री टाइम क्या है. हैदर, फजल, सिमरन, सबीहा,
चले ठीक है, फेयर इनफ. ये मतलब आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसको 7 के बजाय 6:30 कर दूं. सो इज इट पॉसिबल फॉर 6:30 आपका है? मैं 7 से ही, 7 ठीक है, चलो ठीक है, ये रहे तो 7 बजे. हाँ वो इन ऑफिस ट्रैफिक वगैरह होता है. एक्सक्यूज मी, दिस इज द टाइम, एक्सक्यूज मी, आपके पास ये लिखा हुआ है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन 7 बजे, यानी कि नेक्स्ट क्लास होगी हमारी डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे को 7 बजे से. उससे फिर हम अपना फॉर्मली टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, चलेंगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को. और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आप लोग जो हैदर सबिया फजल सिमरन, यू जस्ट हैव टू वेट प्लीज. आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला है? हाँ किट तो होनी चाहिए कैपलन की. किट आपके पास कैपलन की बिल्कुल होनी चाहिए. किट जो है ना कैपलन की, मैं सॉफ्ट कॉपी में भी शेयर करूंगा. क्या कहना? नॉट नेसेसरी. अच्छा जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आप लोग सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना? मैं वही देख रहा हूँ, मुझे खुद ग्रुप नहीं मिल रहा कहाँ गया. जी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, ठीक है, राइट. हैदर आप हैं, सिमरन आप भी हैं, बाकी जो सबिया और फजल, कैन यू प्लीज टेल मी आर यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप? सबिया आप नहीं हो, और फजल आर यू देयर, आर यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप? फजल और सबिया इफ यू आर नॉट इन द ग्रुप प्लीज आप मुझे इसी वक्त व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं आपको जो है ना वो ग्रुप में ऐड कर दूं. सिंपल आप अपना नाम के आगे लिख देना ट्रिपल ए, अपना नाम और आगे ट्रिपल ए लिख दीजिएगा, सो दैट आई बी एडिंग यू इन द ग्रुप. और जो यहां पर बैठे गए आप इसी भी अटेंडेंस लगा दो. हाँ ठीक है, मैंने आपको नंबर शेयर कर दिया है, आप मुझे जो है चले जी, आपको मैंने वो लिंक सेंड कर दिया है. और फजल आप है व्हाट्सएप ग्रुप पे? फजल चले ठीक है, मैंने आपको नंबर बता दिया, यू कैन नोट माय नंबर. और अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो आप मुझे मैसेज कर दो ताकि आपको ग्रुप में उसमें ऐड कर दे, ठीक है. चले बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे विद अ फॉर्मल टॉपिक रिस्क असेसमेंट, ठीक है. चले जी, अल्लाह हाफिज़.